ओम शांति। आज बाबा के 4 अगस्त के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2001। मुरली का हेडिंग है यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह वे याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे बाप दादा दोनों बच्चों को। रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा तन शोस फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताज पोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबर वार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं। ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ, जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है, स्मृति तो रहती है लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में मन में बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ तो निश्चय में कितना टाइम लगा, कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा। सेकंड का सौदा हुआ ना, सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी अधिकारी बने हैं ना या बन रहे हैं, अधिकारी बन गए हैं, ये पक्का है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए हैं, पक्का पक्का पक्का, बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को।
अधिकार में विशेष बाघ द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं। एक हाथ उठाओ, मिली है? सर्व शक्तियां मिली है ना, या किसको 8 मिली है, किसको 6 मिली है? अपने को कहलाती भी है मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो। ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं, बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी हैं? है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूँ लेकिन शक्तिवान हूँ, ऐसा कोई है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना? ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है, इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो, करते हो, या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है? सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते? कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है? खेल देखने लग जाओ, पांचों ही सांप को, सांपों को गले की माला बना दी है, शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं, विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय, समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं हैं, ये नहीं है, हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समृद्धि कभी कम कभी ठीक हो जाती। स्मृति ने वर्षे की अधिकारी तो बना दिया है लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए विजय माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ, मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नैन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ।
साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे, डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो, ऐसे है तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं, वह सभी ब्राह्मण दिखाए, तो ये वह कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना, उसमें आप लोग भी हैं ना? और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो, वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो, वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है, अच्छा नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है, वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं आज की सभा में, बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठे भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं। वहां जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है, तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देके बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी, बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनिक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया, डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं, तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा
कि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्होंने कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे है ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण बने तो है ना, तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं शक्ति देने की पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना, तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ, ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता वह जो शक्ति की कमी हो वे भरते जाओ। आजकल जो निमित्त बने हैं उनको इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं, ये तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाएं, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप पदम गुणा रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को सदा हरेक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। अच्छा, आज खास ये संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी, रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवाधारी हैं, उन सब की सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट
करना भी पड़ता है। मुबारक हो पांडव भवन वाले, मधुबन की चार भुजाओं वाले, सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। डबल फॉरेनर्स से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं, और लगता ही नहीं है ये कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसीलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा अच्छा, आज का वरदान है देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसन धारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है प्रीत बुद्धि, अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करने वाले, ऐसे सन्मुख रहने वाले कभी विमुख नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति।